मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम आरआरबी एनटीपीसी का सामान्य विज्ञान का 510 क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 5, जिसके अंदर हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूले। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। वनस्पतियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है? बैक्टीरिया को। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति बैक्टीरिया को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ते से। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर को जस्ते से लेपित किया जाता है। पेंक्रियाज ग्रंथि किस रोग से संबंधित है? तो मधुमेह रोग से। पेंक्रियाज ग्रंथि मधुमेह रोग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो नेत्र का। कार्निया मानव शरीर के नेत्र का एक भाग है। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का एक सामान्य नाम है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। दूध के फटने से लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। दूध को लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही में परिवर्तित कर देते हैं। जिप्सम से किसको तैयार किया जाता है? तो सीमेंट को। जिप्सम से सीमेंट को तैयार किया जाता है। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। विषाणु के अंदर लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है +3। फेरिक ऑक्साइड में जो लोहे की संयोजकता है वो +3 है। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है। कृत्रिम रेशम को क्या कहा जाता है? तो रेयन। कृत्रिम रेशम को रेयन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने वाला उपकरण कौन सा है? एमीटर। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह। सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध ग्रह है, जो कि सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन गैस। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से जाते समय अपने साथ ऑक्सीजन गैस अंतरिक्ष में ले जाते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस उपस्थित होती है? ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस उपस्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियोन का। घरेलू प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। DDT का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरीन में क्या ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन प्रोटीन की। अंडों के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। क्वासियोकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से।
प्रोटीन की कमी से क्वासी होकर रोग हो जाता है। पारा आसानी से किससे प्राप्त किया जाता है? सिनेबार से। पारा आसानी से सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित होती है? ब्रेटन चक्र पर। गैस टरबाइन ब्रेटन चक्र पर आधारित होती है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसिटिलीन गैस। गैस वेल्डिंग में जो सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है वो एसिटिलीन गैस है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वोट के बराबर। एक हॉर्स पावर 746 वोट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। तो ये था हमारा आज का आरआरबी एनटीपीसी का सामान्य विज्ञान का 510 क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 5। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले आरआरबी एनटीपीसी के सामान्य विज्ञान 510 क्वेश्चंस के वीडियो नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।